जी क्लास तो उस दिन ये वाला जो टेस्ट था इसकी मतलब इसकी बात हो रही थी और इसके रिजल्ट तक हम आ गए थे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट की बात कर रहे थे और उसका रिजल्ट देखने लगे थे कि किन टेस्ट ट्यूब्स में गैस की प्रोडक्शन होती है और किन टेस्ट ट्यूब्स में फर्मेंटेशन होती है या नहीं होती। तो जिन टेस्ट ट्यूब्स की कलर चेंज है उसका मतलब यह है कि उनमें कलर उनमें फर्मेंटेशन हुई है, और जो दुल्हन ट्यूब इसमें नजर आ रही है अगर उसमें बबल बना है गैस का, इट्स मीन्स उनमें गैस की प्रोडक्शन भी हो रही है। तो यहाँ पे जो इकोलाई और ये जो थर्ड ट्यूब है, इन दोनों में जो सेकंड ट्यूब है इसमें फर्मेंटेशन प्लस जो गैस की प्रोडक्शन है वो दोनों पॉजिटिव है, जबकि सेकंड वाले में सिर्फ जो है ना वो फर्मेंटेशन हो रही है, और फर्स्ट वाली ट्यूब जो कि अन इनोकुलेटेड है उसके अंदर नो कलर चेंजेस एंड कोई गैस प्रोडक्शन भी नहीं होती, और इसी तरह लास्ट ट्यूब में भी कोई फर्मेंटेशन भी नहीं होती और गैस प्रोडक्शन भी नहीं होती, हालांकि वो इनोकुलेटेड ट्यूब है। तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट का। जो हमारा फोर्थ टेस्ट आता है वो आता है जेलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। इसमें हमने सिर्फ किस फेज में हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि उनके अंदर प्रेजेंस है जेलेटिनेसिस एंजाइम की या नहीं। तो जो इसमें हमने डिटेक्ट करना होता है जेलेटिनेसिस एंजाइम्स को जो कि हाइड्रोलाइज करता है जेलेटिन को। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यानी कि इस ये जो वाली चीज है जेलेटिनेसिस एंजाइम की प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना, इसको हम वेरियस ऑर्गेनिजम्स लाइक स्टेफलोकोकस एंटेरोबैक्टीरियस या और अदर ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है उनकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करती हैं। प्रिंसिपल इसका सिंपल यही है कि हम इसमें चेक करेंगे ऑर्गेनिजम्स की कि वो प्रोटीलाइटिंग एंजाइम जेलेटिनेसिस प्रोड्यूस करता है ये नहीं करता। अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो वो जेलेटिन को लिक्विफाई करेंगे। इसके लिए हम वही टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि हम अपना न्यूट्रल मीडियम लेते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया को मतलब प्लेस करते हैं और साथ में जेलेटिन प्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि लिक्विफिकेशन हुई है या नहीं। तो हम अपना मीडिया देख लेते हैं, यहाँ पे न्यूट्रेंट जेलेटिन मीडियम यानी मीडियम होता है जिसमें न्यूट्रेंट्स होते हैं और साथ में जेलेटिन ऐड होती है। जेलेटिन 5 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम और जेलेटिन 120 ग्राम पर 100 ml और पीएच जो है वो 6.8 जो है वो होनी चाहिए हमारे मीडियम की। तो मेथड ये है कि अब हम इसमें जेलेटिन स्टैब मेथड यूज करते हैं। सिंपल हमने अपना पहले मीडिया तैयार कर लिया है, अब हम जेलेटिन जो है वो 4 to 5 ड्रॉप्स 24 आवर्स ग्रोथ कल्चर के जो है वो उसमें जो ग्रोथ कल्चर है 24 आवर का उसके अंदर हम अपने 4 to 5 ड्रॉप्स डालेंगे जेलेटिन के, और इसको 35-37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जो है ना वो एम्बियंट एयर में 14 डेज तक हम इसको इंक्यूबेट करेंगे। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं कि जो फिर हम क्या करना है कि जो जेलेटिन है डीप फ्रॉम 24 आवर्स ओल्ड कॉलोनी वो भी हम 4 to 5 टाइम्स जो है ना उसके अंदर मतलब पे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मीडियम के 0.5 इंच तक जाने चाहिए। 14 डेज तक हम ये मतलब प्रोसीजर जो है ना वो करते हैं रिपीट। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो जेलाटिन होती है जिसको हमने इंक्यूबेटर में रखा होता है एम्बियंट एयर में जिसका टेम्परेचर इतना है 14 डेज के लिए, ठीक है, उसको हम डेली जो है ना इंक्यूबेटर से रिमूव करते हैं और उसको 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में यानी कि उसको रखते हैं रेफ्रिजरेटर में रखेंगे जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो, और लिक्विफिकेशन टेस्ट करते हैं कि लिक्विफिकेशन हुई है या नहीं हुई। और साथ में हमने एक अन इनोकुलेटेड कंट्रोल ट्यूब्स भी जो सेम उसमें मीडियम सेम सारा कुछ जो है ना उसके साथ कंपैरिजन के लिए रखनी है। दूसरा ये जेलाटिन स्टैब मेथड था जिसमें हम पुट करते हैं जेलाटिन को डीप इनसाइड द मीडियम नीचे थोड़ा सा इंचेस में, जबकि जो न्यूट्रन जेलाटिन प्लेट मेथड है इसमें जो स्टैब जो है स्टैब इनोकुलेटर हैवी इनोकुलम इसमें हमने 18 to 24 आवर ओल्ड टेस्ट बैक्टीरिया लेने हैं कल्चर प्लेट्स में जिनके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो न्यूट्रिएंट के अंदर जेलेटिन जो है वो फील्ड है, ठीक है, जबकि ऊपर में हमने बाद में उसके अंदर जो है ना वो डाली थी। इसको भी हमने सेम जो है वो इंक्यूबेट करना है न्यूट्रिएंट जेलेटिन प्लेट्स को 35 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 24 आवर्स। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास आता है रिजल्ट यानी कि ये लाइक जो हम ये टेस्ट ट्यूब्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि एक के अंदर जो है ना वो लिक्विफिकेशन हुई है और दूसरी के अंदर नहीं हुई। मीन्स जिसके अंदर लिक्विफिकेशन हुई है इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, मीन मतलब कि इसके अंदर जो हमने बैक्टीरिया इनोकुलेट किए थे उनके अंदर जेलेटिनेसिस एंजाइम प्रेजेंट है जबकि दूसरा जो है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। तो हमारे पास पॉजिटिव जो है पार्शियल टोटल लिक्विफेक्शन हुई होती है इनोकुलेटेड ट्यूब है और साथ में
कहता है कि जो कि हम यानी कि जब 14 डेज तक हम ये अपना प्रोसीजर रिपीट करते हैं, डेली हम उसको रिमूव करते हैं इंक्यूबेटर से और उसको रिफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक प्लेस करते हैं और बाद में चेक करते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो है कंट्रोल ट्यूब जो है वो भी साथ में होती है। अब जो हमारा ट्यूब जो लिक्विफेक्शन देती है, मीन्स उसने हमारा पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया है, लिक्विफेक्शन नज़र आ गई है, तो हमारा यहाँ पे जो है ना टेस्ट क्लियर हो जाता है। जबकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें नेगेटिव होता है, उसमें कोई लिक्विफेक्शन नहीं थी, कम्प्लीट सॉलिड जो है ना वो हमें नज़र आ रहा था, सॉलिडिफिकेशन। और जो प्लेट मेथड था इसमें आप देखें जो वो तो स्टेप मेथड था, जो यानी कि प्लेट मेथड था, उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना उसके सराउंडिंग पे ना एक जोन बन जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव रिजल्ट होगा उसमें जो इनोकुलम है उसके सराउंडिंग पे कोई जो है ना वो जोन नहीं बनेगा। तो ये हमारा जो है प्लेट मेथड का रिजल्ट आता है। लास्ट एंड फिफ्थ जो टेस्ट है वो है ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन टेस्ट है। यानी इसमें जो हमने चेक करना होता है कि स्पेस पे के जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स जो कि कंटेन करते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंटली यानी कि यूज़ करते हैं अपने एंजाइम्स कॉम्प्लीमेंट की बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन टेस्ट कौन से बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं और कौन से नहीं करते, और इसमें सर्टेन स्पीशीज, ये तो जनरलाइज का तो प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल में अब हमने सिर्फ इसके अंदर यही देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीडेटिव और फर्मेंटेटिव जो है वो उपयोग करते हैं कि नहीं। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं मीडिया, ह्यूज एंड लेफ्सन मीडियम्स, जिसको हम कॉमनली ओएफ मीडियम भी कहते हैं, जिसके अंदर ट्रिप्टोन प्रेजेंट होता है और ब्रोमोथाइमोल ब्लू एज एन इंडिकेटर प्रेजेंट होता है, जिसने कलर चेंजेस के बारे में यानी कि जो पीएच है उसके बारे में बताना होता है कलर चेंजेस। वह इसमें हम जो शुगर यूज़ करेंगे ग्लूकोज एलुलोज लैक्टोज इनमें से कोई एक हो सकती है जो कि सर्व करती है फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे। अब हम जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको इनोकुलेट कर देंगे अपने ओएफ मीडियम में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इनोकुलेट कर देंगे तो हमने ट्यूब के ऊपर ना थोड़ी सी जो लेयर है मिनरल ऑयल की वो भी प्लेस करनी है। मिनरल ऑयल हो सकता है या वो मेल्टेड पैराफिन हो सकती है, ताकि हम वहाँ पे एनएरोबिक इन्वायरमेंट बना सकें, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की जो है ना एब्सेंस को हम जो है ना वो श्योर कर सके वहाँ पे। जबकि जो एक ट्यूब में हम मेल्टेड पैराफिन डालेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए, जबकि दूसरी ट्यूब जो है उसमें उसको ओपन रखेंगे, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन इन मीडियम्स में, ठीक है, वो यूज़ करेंगे ट्रिप्टोन, ठीक है। कलर चेंजेस आएंगी, कलर चेंजेस हमारे पास दो तरह के आएंगे, डार्क ब्लू कलर आएंगे, ठीक है, और ब्लू टू येलो कलर आएंगे। यानी ये अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि कौन सा कलर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट को शो करता है और कौन सा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव रिजल्ट को शो करता है, कौन सा कलर। तो मीडियम हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करते हैं, और मीडियम जिसकी बात हो चुकी है, जिसकी जो कंपोजिशन है वो ये यहाँ लिखी हुई है। अब हम अपना प्रोसीजर देख लेते हैं कि हमने अपना प्योर जो आइसोलेटेड क्लोनीज हैं जो 18 to 24 आवर्स कल्चर की हैं वो सेपरेट आउट करनी है, आइसोलेट करनी है, और ईच टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको ट्यूब्स में इनोकुलेट कर देना है। और इनोकुलेट हमने कैसे करनी है, बाय स्टैबिंग द एग टू अप्रोक्सीमेटली 1 to 4 इंच फ्रॉम द बॉटम, यानी कि हम उसके अंदर स्टैब करके अपना इनोकुलम जो है वो डालेंगे, और उसके बाद हम अपना स्टीरॉयल मिनरल ऑयल पर प्रेस कर देंगे, और स्टीरॉयल मेल्टेड पैराफिन भी हो सकती है या फिर कोई अदर पेट्रोलियम। इनिश डुप्लीकेट ट्यूब, डुप्लीकेट ट्यूब्स मीन एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। उसके बाद हम उनकी कैप्स जो है वो टाइटन कर देंगे और उनको हम जो जिनके अंदर हमने अपना जो मतलब कि एरोबिक एनवायरनमेंट बनाया है उनके ऊपर कैप्स डालने की जरूरत नहीं है। फिर हम उनको इंक्यूबेट करेंगे फॉर अप टू 14 डेज, और आप अपना रिजल्ट जो है वो एग्जामिन कर लेते हैं। यहाँ आप देख लें कि अगर ग्रीन कलर जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन हुई है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऊपर हम एनएरोबिक एनवायरनमेंट जो है ना वो भी डालते हैं, एक ट्यूब में एनएरोबिक और एक ट्यूब में एरोबिक। तो यहाँ पे आप देख लें कि जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की लेयर नजर आ रही है वो ऑयल की लेयर है जो कि एनएरोबिक एनवायरनमेंट को शो कर रहा है।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर यानी कि एरोबिक में भी और एनएरोबिक में कोई कलर चेंजेस नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे कोई फर्मेंटेशन जो है वो ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन नहीं हुई, ऑक्सीडेशन भी नेगेटिव है और फर्मेंटेशन भी नेगेटिव है। जबकि सेकंड ट्यूब में आप देखेंगे कि दोनों जो ट्यूब्स हैं एरोबिक और एनएरोबिक उन दोनों में ऑक्सीडेशन भी हुई है और फर्मेंटेशन भी हुई है, दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट आया है जो कि एंटीरोबैक्टीरिया का इनोक्यूलम था। जबकि जो लास्ट वन है उसमें जो है वो जो एरोबिक एनवायरनमेंट है उसमें जो ऑक्सीडेशन जो है वो पॉजिटिव है और फर्मेंटेशन भी, जबकि जो सेकंड ट्यूब है उसमें फर्मेंटेशन जो है वो नेगेटिव है जो कि स्यूडोमोनास का इनोक्यूलम है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट में उन्होंने नेगेटिविटी शो की है। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रिजल्ट में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो यूटिलाइज करते हैं टेस्ट को, यूटिलाइजेशन टेस्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि येलो कलर डेवलपमेंट होगी, यानी अगर डेवलपमेंट हो जाती है येलो कलरेशन की ओपन ट्यूब में तो वो ऑक्सीडेटिव है, ठीक है, और अगर डेवलपमेंट हो जाती है येलो कलरेशन की बोथ ओपन एंड क्लोज ट्यूब में तो वो फर्मेंटेशन भी है एनएरोबिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और नेगेटिव टेस्ट को आपको पता है नो कलर चेंजेस, चाहे वो ग्रीन कलर ही रहेगा। ओके सर, मेरी बस कंप्लीट हो गई है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो करना। जी, क्लास की तरफ से भी कोई क्वेश्चन? जी, आपने 5 टेस्ट किए हैं, जो बाकी टेस्ट हैं वो किसी और को लटके हुए हैं, किसके हैं? नो सर, किसी को भी अलॉट नहीं किए। आपने सिर्फ 5 टेस्ट कराए हैं, छोटे छोटे वाले टेस्ट ज्यादा हैं? टेस्ट जी सर, तो ज्यादा टेस्ट तो होते हैं। बहुत ही ज्यादा हैं सर, मैंने सोचा 5 इनफ होंगे, अगर आप कहते हैं तो फिर वो किसी और से भी करवा लेंगे, मटेरियल तो है। मटेरियल है तो किसी और को दें, तो ये लेकिन बता दें आपने कौन कौन से लिए हैं आपके पास, ताकि मैं उनमें से चूज कर सकूं कि कौन से जरूरी हैं और कौन से जरूरी नहीं। अगर आप मुझे बता दें तो उनको लेकर ये बता दें कौन से कौन कौन से जरूरी। सबसे पहला